हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस फॉर्म वेडेशन इन जावा स्क्रिप्ट इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस व्हाट इज फॉर्म वेनिटेशन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफिडेशन एंड एट लास्ट वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म वेनिडेशन तो कई बार आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो जब उसमें फ़ीड्स होती हैं उनको ध्यान से देखा होगा तो देखा होगा कई सारी फीड्स ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं जिनको आपको वेंदु प्रोवाइड करानी करानी है जैसे कि रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर या आपका नाम ओके okay, तो ऐसी फीड्स क्या आती क्या है मैंडेटरी मतलब द फील्ड इज रिक्वायर्ड कई बार क्या होता है कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें जो वैल्यू हमें देनी होती है उसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है जैसे कि आपको एज डेट ऑफ बर्थ देनी है तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई होगा कि पहले डेट आनी चाहिए फिर मंथ आनी चाहिए फिर ईयर आना चाहिए ओके okay, तो कई फील्ड्स रिक्वायर्स फॉर्मेट या आपको ईमेल एड्रेस इंटर करना है तो उसमें ऐट द रेट आना चाहिए या डॉट आना चाहिए ठीक है तो दिस इज़ वॉट द लॉजिक इज दिस कि दिस इज़ वॉट फॉर्म वेनिडेशन ओके वेनिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैनिड है कि नहीं है ओके okay, करेक्ट है कि नहीं है इसकी बात नहीं हो रही है वैनिड है कि नहीं है अब वैनिड कैसे डिसाइड करते हैं ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट्स कि हमने जो कंडीसन्स लगाई हैं वो कंडीशन सेटिसफाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फर्स्ट नेम में हमने ये मेंशन किया है कि जो भी इनपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे तो उसमें आपको सिर्फ़ सिर्फ अल्फ़ाबेट्स -सिर्फ इंटर करने हैं ना कि डिजिट या स्पेशल करेक्टर्स ओके तो अगर आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स इंटर किए हैं इट मीन्स जो आपने इनपुट दिया है वो वैलिड है ओके भले वो नाम गलत हो ओके इसी तरह अगर एज है अगर हमने स्पेसिफाई किया है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन एटीन तो आप एटीन के ऊपर आपको एज देनी है कोई भी एज देंगे तो वो सही मानी जाएगी ओके okay, भले वो एज उस व्यक्ति की गलत हो मगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन द एज इज वैलिड इफ इट इज़ एंटर्ड एबव एटीन अगर एटीन के छोटी वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू इन वैलिड होगी ओके तो दिस इज़ वॉड कॉल वैलिड डेटा तो हम चाहते हैं कि जो फॉर्म में हम इनपुट दे रहे हैं जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो वैलिड हो वो जो कंडीशंस हैं वो इस दस सेटिस्फाई करें बिफोर सबमिटिंग टू द सर्वर ओके क्योंकि जो भी फॉर्म में डेटा वो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पर सर्वर पर जाएगा ओके okay? तो हम सर्वर पर डेटा भेजें उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जब डेटा वैलिड हो हम वैनिड डेटा को ही सर्वर पर भेजना चाहते हैं तो बिफोर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर वी फर्स्ट वैलिडेट द डेटा ओके एंड दिस इज वॉट कॉल फॉर्म वेलिडेशन ओके okay, तो फॉर्म वैलिडेशन भी दो प्रकार का होता है एक नाइन साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन अगर आप क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर पे ही फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं तो ये कहनाता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन ओके अगर आप सर्वर पर कर रहे हैं मतलब कि आप डेटा पूरा उठा के सर्वर भेज दे रहे हैं और सर्वर डिसाइड कर रहा है कि ये डेटा वैलिड है कि नहीं है तो अगर सर्वर पर ये डिसीजन हो रहा है इट इज़ कॉल्ड सर्वर साइड वैलिडेशन तो एक्चुअली में जो फॉर्म वैलिडेशन होता है वो जनरली नाइन साइड पर ही हम करते हैं कि हम सर्वर पे डेटा भेजने से पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो वैलिड है कि नहीं है ओके okay. ना जो वैलिडेशन है नाइन साइड वो दो प्रकार का है एक होता है बिल्ट इन फॉर्म वैलिडेशन और एक होता है यूजिंग जावर स्क्रिप्ट ब्रिंट इन फॉर्म वैलिडेशन मतलब क्या है कि एस ही कुछ ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है जिसको यूज करके आप डेटा वैलिड है कि नहीं है ये आप इंश्योर कर सकते हैं ओके okay? और अगर आप जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग यूज़ करके डेटा वैलिडेशन कर रहे हैं तो इट इज़ हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन तो बेंट इन फॉर्म वैलिडेशन में वी यूज द फीचर्स ऑफ एस टी एम एल मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि जितने फीचर्स हैं हम सिर्फ उतने के ही यूज़ कर सकते हैं अगर उससे ज़्यादा हमें कुछ करना है तो हम वो नहीं कर सकते तो जितने फीचर्स अवेलेबल हैं उतने ही फीचर्स हम यूज कर सकते हैं यूजिंग एस पर अगर हमें मोर देन देट करना है तो वी हैव टू गो फॉर जावा स्क्रिप्ट वेलीडेसन ओके तो यहाँ पे हम हर तरह का वैलिडेशन कर सकते हैं थ्रू जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग तो जनरली जो वैलिडेशन किया जाता है नाइन साइड पे वो जावा और एस के फीचर्स दोनों को यूज करके ही हम नाइन साइड वेलीडेशन को इंश्योर करते हैं तो पहले हम देखते हैं बेंट इन फॉर्म वेन्डेशन एस के द्वारा ऐसे फीचर्स जिसको यूज़ करके हम डेटा को वैलिड और इन वैलिड सेट कर सकते हैं तो पहला है रिक्वायर्ड ठीक है ना तो ये एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये फील्ड मैंडेटरी है कि नहीं है अगर हम किसी भी इनपुट फील्ड के आगे रिक्वायर्ड लिख दे रहे हैं इसका मतलब कि यूज़र को उसमें इनपुट देना कंपलसरी है उसी तरीके से मिन लेंथ और मैक्स लेंथ है इस्पेफाइज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ टैक्स वन डेटा यानी कि अगर आप जो टैक्स वन इनपुट दे रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्म इनपुट दे रहे हैं उसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है या मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है आप रेंज जो है टैक्स की वो स्पेसिफाई कर सकते हैं उसी तरीके से मिन एंड मैक्स स्पेसीफाइज द मिनिमम एंड मैक्मम वैल्यूज ऑफ नुमेरिकन इनपुट टाइप तो अगर कोई नुमेरिकन डेटा जैसे एज है तो उसमें आप मिनिमम और मैक्मम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इससे कम नहीं हो सकती इससे ज़्यादा वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती टाइप स्पेसिफाइज वेदर द डेटा नीड्स टू बी ए नंबर ईमेल एड्रेस और सम अदर स्पेसिफिक पीसे टाइप तो कुछ ब्रिंटिन टाइप्स प्रोवाइड है एस्टीमेंट करता है जिसको यूज करके हम डेटा का टाइप हाइड कर सकते हैं जैसे कि हमने टाइप दे दिया ई मेल तो एस्टिमन खुद ही चेक करेगा कि जो ई मेल इंटर किया गया है उसका जो पैटर्न है उसमें एट द रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो खुद ही चेक कर का ओके एंड देन द लास्ट वन इज़ द पैटर्न स्पेसीफाइज ए रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस ए पैटर्न दैट इंटर डेटा नीड्स टू फॉलो यहाँ पर हम एक पैटर्न स्पेसिफाई कर दे, देते हैं और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इनपुट हुआ है डेटा वो इस पैटर्न को फॉलो करे ओके जैसे कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो नेम होगा उसका पहला जो करैक्टर होगा वो अपर केस में होगा तो ये पैटर्न हो गया ओके okay? तो जब भी नेम इनपुट किया जाएगा उसका पहला करैक्टर अपर केस में ही होना चाहिए अगर नहीं है तो पैटर्न मिसमैच हो जाएगा तो ये कुछ इन फॉर्म वेरिडेशन है जो कि हमें एस प्रोवाइड करता है आप उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है ठीक है यहाँ पे हम नेम इनपुट करना चाहते हैं और हमने आगे लिख दिया रिक्वायर्ड इसका मतलब इस इनपुट बॉक्स में जो भी आप इनपुट देंगे वो मैंडेटरी है इसको आप एम नहीं छोड़ सकते उस तरीके से जैसे पासवर्ड है हमने दे दिया कि इसकी मिनिमम लेंथ एट होगी और मैक्स लेंथ सिक्सटीन होगी ये पासवर्ड फील्ड है हमने इंश्योर किया है कि पासवर्ड की जो लेंथ होगी उसमें कम से कम एट करेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम सिक्सटीन करेक्टर्स हो सकते हैं ओके okay? इसी तरह जैसे एज है तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मिन एटीन मैक्स नाइन्टी यानी मिनिमम एज एन है इससे कम एंटर नहीं कर सकते और मैक्स नाइन्टी नाइन है इससे ज़्यादा एंटर नहीं कर सकते ठीक है जो टाइप की बात की थी हमने वो आप देख सकते हैं इनपुट टाइप यू आर एन तो यहाँ और इसको तो यहाँ पे यू आर एन है मतलब हम किसी भी वेबसाइट का यू आर एन डाल रहे हैं ओके तो उससे मैच करना चाहिए कि डब्ल्यू 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 डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है आखिर में डॉट कॉम है डॉट वारी है कि नहीं है जो एक स्ट्रक्चर होता है यू आर एन का वो पूरा मैच करना चाहिए ये इन टाइप है इन एस ठीक है उसी तरह ई मेल टाइप ईमेल है तो आपने अगर टाइप ईमेल डाल दिया तो एस खुद ही चेक करेगा कि जो इंटर्ड ईमेल है वो उसका स्ट्रक्चर ईमेल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये कुछ एस टी फाइव के द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिट इन वेरिएशन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अब हम जावासी वेरिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं जिसमें कि तीन इनपुट हमें लेने हैं यूजर से एक तो नेम लेना है मोबाइल नंबर लेना है ई मेल लेना है उसको फाइनली सबमिट करना है तो हमारी कंस्टेंट्स क्या हैं हम चाहते हैं कि नेम में जो भी इनपुट किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो अल्फ़ाबेट्स के अलावा इसमें और कुछ भी एंटर अगर होता है इस मीन्स इनपुट इज़ इनवैलिड मोबाइल नंबर हम चाहते हैं कि जो भी इनपुट हो वो सिर्फ, वो सिर्फ हो, और सिर्फ डिजिट्स हो जीरो और नाइन्थ की रेंज में हो और जो नाइन्थ हो वो टेन हो यानी टेन डिजिट का नंबर ही हमें चाहिए मोबाइल नंबर में तभी उसको हम वैलिड मानेंगे अदरवाइज इनवैलिड कहेंगे और ई है तो यहाँ पर तो हम ई चेक करेंगे कि जो मेल इनपुट किया गया है उसमें ऐट द रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है डॉट के आगे करैक्टर है कि नहीं है ये सब चेक करेंगे ठीक है ना तो हाउ वी कैन चेकिंग दिस तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ठीक है ना और ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा था इस कोड को जब आप रन कराएंगे तो वो आपको फॉर्म दिखाई देगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बटन दिया हुआ है हमने बटन और इसके क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा वैलिडेट ठीक है और इस फंक्शन में हम तीनों इनपुट फील्ड्स को चेक करेंगे कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो वैलिड है कि नहीं है और वो फंक्शन वैलिडेट ये है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है ठीक है ना तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी फीचर को यूज़ कर रहे हैं जिसको आप थोड़ा स्टडी कर करें खुद से हार्डली वन आवर दे देंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं उसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन तो यहाँ पे हमने तीन एक्सप्रेशन लिए हुए हैं लेटर नंबर और मेल और ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है दिस इज द स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज द एंड ऑफ एक्सप्रेशन और इसके बीच में उन्होंने लिखा है ए टू जेड और ए टू जेड यानी कि जो भी होगा वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच की कोई भी करेक्टर होगा या कैप्टन ए से कैप्टन जेड के बीच का ही कोई अल्फाबेट होगा प्लस तो का मतलब है एक से अधिक करेक्टर्स हो सकते हैं ओके और डॉलर ध्यान लगा हुआ इसका मतलब है कि जो आखिरी करैक्टर होगा वो भी इसी सेट से होगा ओके द सेम वे नंबर है तो नंबर क्या होगा जीरो से नाइन्थ तक कुछ भी दे सकते हैं ठीक है और इस ब्रैकेट का मतलब है लेंथ कि लेंथ कितनी होगी टेन होगी यानी लेंथ टेन होनी चाहिए और जो भी इनपुट होगा वो जो रेंज है वो ज़ीरो से नाइन्थ के बीच में ही यानी वन टू थ्री कुछ भी डालिए मैक्सिमम टेन तक डाल सकते हैं अगर टेंथ से ज़्यादा होगा तो ये पैटर्न को मिसमैच कर जाएगा उस तरीके से मेन है मेन में ए टू जेड और कैप्टन ए टू जेड है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडर को दिया हुआ है हाइफन को दिया हुआ है इतने करैक्टर्स हो सकते हैं प्लस लगाया हुआ है मतलब इन करेक्टर्स से मिलकर कितनी भी बड़ी लेंथ किस्टिंग हो सकती है और उसके आगे अपन होगा ऐट द रेट ऐट द रेट के बाद फिर से जैसे जीवे लिखना है तो उसमें सिर्फ करेक्टर्स होते हैं तो करेक्टर्स की रेंज क्या होगी स्मॉल ए से कैप्टन स्मॉल जेड कैप्टन ए से कैप्टन जेड तक प्लस मतलब कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं फॉलोड बाई एक डॉट होगा और डॉट के बाद फिर से क्या होंगे कैरेक्टर्स होंगे जिनकी लेंथ टू से ले कर थ्री तक हो सकती है यानी दो डॉट के बाद दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं या तीन हो सकते हैं तो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन ओके इसे हम यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग में तो अगर ये आपको कुछ और लग रहा है तो यू हैव टू गिव सम टाइम ऑन योर सेल्फ हार्डली हाफ एन आवर और मोस्टली वन and एंड विल बी एगुल to राइट सच वे इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आप सीख जाएंगे हम क्या कर रहे हैं कि जो यूज़र ने इनपुट किया है उसको हमें रीड करना है ओके okay? तो ये इनपुट है जिसमें आई डी क्या है नेम है जिसमें हम नेम इनपुट कर रहे हैं जो सेकेंड इनपुट है उसकी आई डी क्या है मोबाइल है जिसमें मोबाइल नंबर इनपुट कर रहे हैं और थर्ड आई डी ई मेल है जिसमें कि हम ई मेल इनपुट कर रहे हैं ओके okay, तो तीनों को रीड करना है कैसे रीड करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फिर फंक्शन है गेट एनिमेंट बाई आई डी और आई डी का नाम क्या है नेम डॉट वैल्यू तो यानी वो इनपुट बॉक्स जिसका की आई डी नेम है उसकी वैल्यू को रीड किया और किसमें स्टोर किया एक वेरिएबल नेम में उसी तरीके से मोबाइल की वैल्यू रीड की और स्टोर किया एक वेरिएबल मॉब है उसमें स्टोर किया है और सेम वे ईमेल की वैल्यू रीड की है और एक वेरिएबल ईमेल में स्टोर कर दिया है अभी वैल्यू रीड कर दी अब नेम को चेक करना है जो हमने रीड किया है कि इसमें सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट हैं कि नहीं है तो हम इसको मैच कराएंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से तो इफ़ नॉट नेटर डॉट टेस्ट नेम तो नेटर ये हो गया दिस नेटर इज रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सप्रेशन डॉट एक मेथड है टेस्ट जिसको आप यूज कर सकते हैं और किससे टेस्ट करना है जो कि हमने नेम रीड किया है अगर नेम में सारे करेक्टर्स होंगे तब तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा टू अगर एक भी करेक्टर ऐसा है जो कि अल्फ़ाबेट नहीं है उसमें डॉट है स्नेश है डिजिट है तो ये दिस रिटर्न फॉल्स अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ नॉट लगा हुआ है दिस बिकम्स कंडीशन बिकम्स ट्रू और जैसे टू होगा हम एक मैसेज देंगे नेम कंटेंस ऑन दी करेक्टर्स और यहीं से वापस हो जाएंगे अगर ये कंडीशन अगर नेम सही इनपुट हुआ है तब हम नंबर को चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर सही कि नहीं है तो नंबर जिसमें सिर्फ सिर्फ डिजिट्स होंगे टेंथ की मैच कराएंगे टेस्ट किससे मैच करा रहे हैं जो कि हमने इस वेरेबल में मोबाइल नंबर रीड किया है बाय यूजर और सेम लॉजिक है कि अगर यूजर ने सिर्फ डिजिट्स किए होंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम इस से बाहर आ जाएंगे अगर एक भी करेक्टर ऐसा है जो कि डिजिट नहीं है और लेंथ भी टेन से कम या ज़्यादा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैसेज दे देंगे मोबाइल नंबर कंटेंस टेन डिजिट सेम विद ईमेल मेल तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके पैटर्न मैचिंग करना के के द्वारा वैलिडेशन करना इज द मोस्ट पॉपुलर वे यूज इन जावास्क्रिप्ट तो इस तरीके से हम जावर कोड के थ्रू किसी भी प्रकार का वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है कितने प्रकार के फॉर्म वैलिडेशन होते हैं एस्टिमेट के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन में और जावा कोडिंग के थ्रू हम कैसे फॉर्म वैलिडेशन अचीव कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गए होंगे Please like, share and subscribe to the channel. Thank you.